मॉर्निंग स्टूडेंट, सूक्ति स्तवका पाठ का ये चौथा श्लोक है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यापि अगच्छन् वैनेत्यो अपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यापि अगच्छन् वैनेत्यो अपि पद्मेकं न गच्छति। अर्थ देखिए, गच्छन का मतलब जाता हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर चलते हुए से तात्पर्य है। गच्छन पिपीलिको, पिपीलिको होता है नर चीटी, जिसको हम चीटा कहेंगे। जाता हुआ या चलता हुआ चीटा। याति योजना नाम सतान्यापि, चला जाता है योजना नाम योजनों, सतान्यापि सैकड़ों, और अपि इसमें मिला हुआ है इसलिए भी। तो चलता हुआ चीटा भी सैकड़ों योजन चला जाता है। आप देखो तो चीते की चाल सबसे धीमी होती है, लेकिन अगर यदि वो चलना स्टार्ट करे, चलता रहे, तो सैकड़ों योजन चला जाता है। योजन यहाँ पर एक इकाई है, यूनिट है, जो डिस्टेंस के लिए आती है, जैसे कि किलोमीटर। लगभग एक योजन जो है वो 12 किलोमीटर का होता है, 12 किलोमीटर का। तो योजन यहाँ पर एक दूरी की मापन की इकाई है। तो चलता हुआ चीता सैकड़ों योजन भी चला जाता है। अगच्छन, अगच्छन माने ना चलता हुआ, ना जाता हुआ। वैनेत्य होता है गरुण, अपि इसमें मिला हुआ है इसलिए भी। ना चलता हुआ गरुण भी, पद्मेकम एक कदम, ना नहीं, गच्छति जाता है। चलता हुआ चीता भी सैकड़ों योजन चला जाता है, और ना चलता हुआ गरुण भी, जिसकी की चाल सबसे तेज मानी गई है, वो एक कदम भी नहीं जा पाता। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब हम कर्म करेंगे, जब हम प्रयास करेंगे, तभी हम कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, कार्य की सिद्धि कर पाएंगे। तो हमें चीते की तरह कर्मशील होना है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, तब भी हम कर्मशील होकर के बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हमारे पास गरुण के समान सामर्थ्य है और हम कर्मशील नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ये आपका ये श्लोक पूरा हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।